बिग बॉस ओटीटी के कंटेंडर्स पूरी निष्ठा के साथ इस गेम को खेलते नजर आ रहे हैं। हर कोई अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डालता है ताकि वो इस गेम में बेहतर करे और बेहतरीन बन सके, और लगातार कंटेंडर्स हर एक टास्क में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन टास्क को लेकर कुछ है ऐसा जो आपको सच में काफी ज्यादा बेहुदा नजर आने वाला है। जी हाँ, दरअसल ये कंटेंडर कोई और नहीं है, वो है मिलिंद गाबा, जिन्होंने टास्क को लेकर कुछ ज्यादा ही हदें पार कर दी हैं। दरअसल घर में बिग बॉस ने घर वालों को दिया था स्टैचू बनने का टास्क, जहां पर घर वाले पूरी शिद्दत के साथ ये टास्क खेल रहे हैं। लेकिन बाकी घर वालों का काम है कि वो उनका टास्क बिगाड़े, यानी कि उन्हें हिला दे ताकि वो टास्क से बाहर हो जाए। काफी टाइम से कंटेंडर्स ट्राई कर रहे थे, अलग अलग तरीके से उन्हें हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर में मिलिंद गाबा को एक खुराफात ये सूझी कि वो वॉशरूम गए, टॉयलेट से टॉयलेट पेपर वाला डस्टबिन उठाकर लेकर आए, जिसमें कि कंटेंडर्स ने उन्हें अपना टॉयलेट टाइम में यूज किया था। और उन्होंने ऐसा किया कि वो टिश्यू पेपर्स लेकर आए और एक टिश्यू पेपर जो कि यूज था, लिटरली यूज था, वो उन्होंने निशांत के शोल्डर पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी यार, एक्चुअली स्मेल तो आ रहा है बट स्टिल ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो वापस आते हैं रिधिमा के साथ और रिधिमा के कंधे पर भी एक यूज्ड टिश्यू पेपर रख देते हैं। वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, लेकिन घर वालों ने उन्हें काफ़ी बार कहा कि मिलिंद आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मिलिंद ने ये करना चाहा और ये किया भी। इस पर आपके विचार जानना चाहूँगी कि आपका क्या कहना है। जो भी आपके विचार हो नीचे कमेंट सेशन में मुझसे साझा जरूर कीजिएगा। और आपके लिए इसी तरीके से बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी हर एक मजेदार खबर लेकर आती रहूंगी। और आप चाहते हैं कि आप कोई भी खबर मिस ना करें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।